हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पेटीएम बिजनेस साउंड 2.0 की, जो कि हमें मिला है ब्लू डॉट के थ्रू। अब मैं इसके रैप को हटा रहा हूं और साथ ही आपको बता दूं कि जब हम मुझे ब्लू डॉट से मिला था तो ये इसकी जो पैकिंग है बाहर की वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड है, जिससे कि अंदर जो भी चीज़ रखी है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट हो। इसके बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो हम इसके जो बाहरी केस है उसको ओपन करते हैं। जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें अंदर एक और बॉक्स मिलता है, जिसमें कि हमारा जो साउंड का स्पीकर है वो रखा हुआ है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो देखिए इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे फ्रंट में आपको यहाँ पर जो इसका स्पीकर है उसका आपको यहाँ पर फ़ोटो देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर लिखा है पेटीएम साउंड बॉक्स। और जब आप इसको थोड़ा साइड में करेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइट करेंगे, इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशन, 24x7 सपोर्ट और सेम कनेक्टिविटी। इसके अलावा जब आप इसको साइड में पलटेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पेटीएम साउंड बॉक्स के मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स, और उसके जस्ट नीचे ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नेट क्वांटिटी, जिसमें कि आपको इस बॉक्स में मिलता है एक साउंड बॉक्स, एक केबल, एक अडेप्टर और एक यूज़र मैनुअल। मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वह है फेब 2022। MRP है इसकी 1999, जो कि मेरे को मिला बिल्कुल फ्री में। वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरह से इसको फ्री में ले सकते हैं। साथ ही आपको नीचे कुछ और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब हम इसको और साइड में करेंगे तो यहाँ भी इसकी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, जैसे रिचार्जेबल बैटरी है, ऑन स्क्रीन कन्फर्मेशन है और ऑल इन वन पेटीएम QR है। अब हम इसको भी ओपन करेंगे। इसकी सील पहले से ही खुली हुई है, क्योंकि इसमें सिम का सेटअप ऑलरेडी करके आया जाता है, मतलब जो इसमें सिम डाली जाती है वो पहले ही से उसको रेडी टू यूज़ कर दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने मिला होगा जो हमारा स्पीकर है वो, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये मैंने इसको निकाल के साइड में रख दिया है। अब बाकी सारी चीज़ें भी हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और बॉक्स मिलेगा, जिसमें कि आपको हो सकता है इसका एक एडाप्टर और चार्जिंग केबल हो। तो देखिए इसमें एक और बॉक्स निकला है, ये बॉक्स हो गया खाली, इसको करते हैं साइड में। अब हम इस वाले बॉक्स को ओपन करेंगे। ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमको इस वाले बॉक्स में एक मिली है USB केबल और एक मिला है हमको एडाप्टर। तो देखिए USB केबल है और ये एडाप्टर है, जो कि एडाप्टर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही जो नॉर्मल एडाप्टर होते हैं वही एडाप्टर ये है। यहाँ पर आप इस एडाप्टर की कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। एडाप्टर के बाद बात करें हम USB केबल की, तो आप देख रहे होंगे जो इसकी लेंथ वो काफ़ी ही बड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि आप अपने स्पीकर को कहीं भी दूर रखकर इसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए ये है इसका कुछ यूज़र मैनुअल, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं किस तरह से आप इसका सेटअप करेंगे और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें अंदर और तो क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं। तो इसको करते हैं ओपन। देखिए यहाँ पर आपको साउंड 2.0 से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आप इसका अपने फ़ोन में पेटीएम अकाउंट से किस तरह से लिंक करेंगे और उसका सेटअप किस तरह से करेंगे। तो इसको रखते हैं अभी साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या निकला है। तो ये है हमारी जो सिम को रेडी करके इसमें डाला गया है, उसका रैप जो कि है VI की सिम, तो उसका एक रैप मिला है जिसमें कुछ सिम की डिटेल्स हैं। इसको भी अब साइड में करेंगे, सब चीज़ों को साइड में कर देंगे। और सब चीज़ों को साइड में करने के बाद अब हम देखेंगे अपने स्पीकर को। तो आप फ्रंट में इसको देखेंगे, आपको यहाँ पे एक QR मिलेगा और QR के ऊपर एक फ़ाइबर ग्लास या फाइबर प्लास्टिक का कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, जो कि इसको प्रोटेक्ट रखता है पानी वगैरह से, जैसे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। नीचे भी आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे आप डिटेल्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको मॉडल नंबर, पावर्ड बाय पेटीएम वगैरह इस सब की डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही आपको दिख रहा होगा छोटा सा ये कंपार्टमेंट, जो कि आपके सिम स्लॉट का काम करता है, यहाँ पर आपकी सिम लगती है।
अब इसको हम जैसा का तैसा लगा देंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स दिखाने के लिए है नहीं है, तो अब इसको फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको मिलती है एक डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है, उसके जस्ट नीचे आपका स्पीकर है, फिर आपकी इसके स्पीकर जस्ट नीचे आपकी नोटिफिकेशन लाइट है, और यहाँ पर आपको एक पोर्ट दिया गया है यूएसबी का, जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी देखते हैं, नीचे तो और कुछ है नहीं है, ऊपर ही है जो भी है। यहाँ पर देखिए आपको ये डिस्प्ले जो मिल रही है, और इसके साथ ही आपको यहाँ चार बटन मिले हैं, जिसमें एक है पावर का, एक दो है साउंड के, और जो लास्ट बटन है वो है आप जो भी पेमेंट करते हैं, यदि आप उसको रिपीट मतलब रिप्ले करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑन करेंगे, तो देखिए ये ऑन हो चुका है, हालांकि इसमें बैटरी चार्ज नहीं थी तो इसलिए तुरंत ही ऑफ हो रहा था। तो इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का ये साउंड 2.0 मिलता है, जो कि साउंड 1.0 से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 1.0 में खाली आप सुनकर ही पेमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्प्ले में ही साथ ही साथ शो हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँ कि आप इसको किस तरह से एक्टिवेट करेंगे और पेमेंट रिसीव किस तरह से करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।